हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिवाली का एक बेहतरीन तोहफा। दोस्तों 45,689 कांस्टेबल पदों की भर्ती, नई भर्ती 2022 में, नया सिलेबस होगा और क्या बदलाव होंगे, ये सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हमारे CM ने 45,689 कांस्टेबल पदों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांस्टेबल के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ ये जो परीक्षा होगी इस बार क्या ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी कम होगी ज़्यादा होगी, मतलब पूरी डिटेल आपको इसमें मिलने वाली है। और ये कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे फॉर्म, ये कब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, और अगर अब लेटेस्ट अपडेट के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ होगी, 45,600 पहले से ही अपडेट आ रही थी, 45,000 कांस्टेबल पदों की भर्ती आनी है, लेकिन यहाँ पर जो 45,689 पद हैं इसमें कांस्टेबल पदों की जो भर्ती होनी है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट होगी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत बड़ी अपडेट होगी, एक बार ये देख लीजिए। देखिए, परीक्षा में पूछा क्या क्या जाता है और इस बार कैसे परीक्षा होने वाली है। सभी को बता दें कि 150 क्वेश्चन आपके होंगे, इन 150 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या होगा। GK होगा, आपका हिंदी होगा, ठीक है, मैथ्स होगा और आपका रीजनिंग होगा। अब इनमें सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो 38 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे GK के, हिंदी के आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे और 38 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मिला करके आपके 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का होगा। इन 150 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए, 300 नंबर के। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करी जाए तो 1/4 है, यानी कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही प्रश्न के नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 ये इसकी निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस बार जो परीक्षा है ये ऑफलाइन होगी, दोस्तों ऑफलाइन होगी या फिर ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, यानी CBT होगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ये जो परीक्षा है दोस्तों, इस बार भी आपको ऑफलाइन ही करने को देने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। तो कोई भी बदलाव ना करके जैसे पहले परीक्षाएँ करवाई गई हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस बार भी ये परीक्षा इसी प्रकार से होने वाली है। अन्य पदों पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द, लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाला है। इस बार बहुत ही अच्छा तोहफा होगा दिवाली का, और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है आपका नवंबर में। और ये जो वैकेंसी की प्रक्रिया है कब से शुरू होगी, नोटिफिकेशन में ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ हमारे CM ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि इतने इतने पदों पर भर्ती कराई जा चुकी है, इतने इतने की जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और जो भी आगे प्रक्रियाएं हैं जो होती रहती हैं वो सारी हो रही हैं, और ये भर्ती जो है इतने पदों पर होगी। जय हिंद सभी को, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए।